नंबर टू लिखो करण तत्पुरुष समास, नंबर टू करण तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास में लिखो उमा जरीडा नमस्ते बेटा, इसमें करण कारक की विभक्ति, इसमें करण कारक की विभक्ति, इसमें करण कारक की विभक्ति, इसमें करण कारक की विभक्ति से या के द्वारा का, से या के द्वारा का लोप होता है, से या के द्वारा का लोप होता है। बेटा पूरा लिख ले, अभी इस साइड लिखूंगा मैंने, है ना, के द्वारा का लोप होता है, इसमें करण कारक की विभक्ति से या के द्वारा का लोप होता है। जैसे लिखो नंबर वन, नंबर वन खोल के दो, खोल के दो, वो जैसे लिखो बिहारी रचित, बिहारी रचित, बिहारी रचित, बिहारी रचित का लिखो बिहारी के द्वारा रचित, बिहारी के द्वारा रचित। दूसरा लिखो तुलसीकृत, तुलसीकृत, तुलसीकृत में लिखो तुलसी के द्वारा कृत। आगे लिखो कपड़ छान, कपड़ छान, कौन सा छान, कपड़ छान का लिखो कपड़े के द्वारा छाना हुआ, कपड़े के द्वारा छाना हुआ। आगे लिखो ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त। कपड़ा, कपड़ छान का मतलब होता है बेटा, मेरी बात सुनो, कपड़ छान का मतलब यू नो, भैंस मिश्रा, भैंस दिखा तुमने, भैंस दिखा, भैंस अपने अपने थोड़ी रही है, अपने हैं भैंस, यू नो मैडम, आपने भैंस, मैडम यू नो भैंस, मैम भैंस देखा, जू में देखी होगी आपने, फेस टू फेस देखिए, कहां पे, अच्छा आप यू नो विलेज, यू नो विलेज, विलेज गांव देखा आपने कभी, यू नो भैंसों का स्विमिंग पूल, हेलो अपन तो गांव के ही, तो क्या पहले सर, अब तो बड़ी बड़ी, हेलो अब तो क्या बड़ी बड़ी चलनी आ गई, बंसल सर, बंसल सर प्लीज दीदार करो ना, ये अब तो क्या बड़ी बड़ी चलनी आ गई, पहले क्या आता था मैडम, कपड़े से छानते थे घी को, जैसे घी होता है, कौन सा घी बोलते हैं, लूणी घी, उसको पहले कपड़े से छानते, कपड़े से छानते थे सर, तो लिखो कपड़े के द्वारा, बहुत बार आया हुआ प्रश्न, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त, फिर लिखो कपड़े के द्वारा छाना हुआ, कपड़े के द्वारा छाना हुआ, कपड़े के द्वारा छाना हुआ, किसके द्वारा छाना हुआ बेटा, कपड़े के द्वारा छाना हुआ। आगे लिखो नेक्स्ट, नीचे ये क्या लाइब्रेरी में आके सबके सामने मुर्गा बनाऊंगा तो अच्छा लगेगा क्या, आगे लिखो ईश्वर प्रदत्त, आगे लिखो बेटे रेल भाड़ा, नहीं रेल भाड़ा मत लिखो, आगे लिखो शोकाकुल, बेटा पूरा कॉन्सेंट्रेट, हेलो शोकाकुल, शोकाकुल, शोकाकुल लिखो, शोकाकुल में लिखो शोक से आकुल, पूरा जैसे दादी मर गई, नानी मर गई, शोक से आकुल हो जाता है ना पूरा परिवार, तो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त में किसी को पुत्र हुआ है
तो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है, तुम्हारी फर्स्ट रैंक आएगी वो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है, इंसान का कुछ नहीं होता, समझ गए? तुम तो क्या ब्राह्मणों भरोसा नहीं है तुम्हारा? ये रुमाल दो, रुमाल दो, एक रुमाल दो, ये रुमाल भी, ये रहा, ये दे। भगवान भी मैडम पूछ रहे थे आज, मैं बता कम बात करना चाह रहा था लेकिन मैडम ने बीच में छेड़ दिया। तो ईश्वर, ईश्वर के दो, ईश्वर प्रदत्त का पूरा मतलब समझ, ईश्वर प्रदत्त का पूरा डिटेल, इतना टाइम थोड़ी है यार मेरे पास। 3600 बच्चे पास हो गए प्री में, पेपर बन जाएगा क्या खबर? 3678 बच्चे प्री में पास होंगे, कितने बच्चे प्री में पास होंगे? अब उसमें भी सर हम प्री में नहीं निकल पाए तो सर धिक्कार है, चला धिक्कार। 3678 वैकेंसी अभी दियो मानो, कितनी है? 3678 वैकेंसी है सर, 3678 में जगह है अपनी बेंच की, बात की बात है, डूब मरना को एक्सपायरी डेट का वो लिखे है 3678 में पास होना। देखो सर ये जन्म है मैडम, ये सुप्रीम, ये हमारा जन्म है, ये हमारा जन्म है सरपंच साहब, ये हमारा जन्म है। हम सोचते थोड़ी अपन को पता है क्या अपन कहां जन्मेंगे? एससी में पैदा होंगे, एसटी में पैदा होंगे, ये ब्राह्मण बनेंगे, पता था कि चौमू में पैदा होंगे, मुंबई में पैदा होंगे, पता था क्या अपन को? अपन कब मरेंगे ये अपन को पता है क्या? देखो ये तो जन्म है इधर वाला, तो मैडम ये ईश्वर पता, देखो ये जन्म हो गया और ये मृत्यु हो गई, कुछ नहीं पता। अभी बीच का डिस्टेंस है, ये बीच के डिस्टेंस में हम 5 साल में एनएलयू पहुंचे, राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, हम बसों में चक्कर काट रहे हैं, सब 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 ये चीज हमारे कैसे डिसाइड हो सकती है बीच वाली, जब हमारा जन्म हमारे हाथ में नहीं है, मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, तो बीच वाला डिसाइड नहीं है, सब चीज पहले से हैंड रिटन है। ये तो मैं कह रहा हूँ ये पास हो जाए, ये भी प्री में पास होना भी हमारे भाग्य का है सर। किसका है? भाग्य का है। आप कोई बच्चा एससी में उसमें भी महिला है, भाग्य का ही तो है, कई मनुष्य नालायक ब्राह्मण कई जनरल में है ना, जिनका ईडब्ल्यूएस भी नहीं हुआ, समझ गए ना, तो वो दिक्कत, तो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है मैम ये। किसके द्वारा प्रदत्त है? शोकाकुल में लिखो, शोक से आकुल। बेटा बात नहीं करनी सर जी, क्षितिज सर लास्ट बार बताऊं, बात नहीं करनी है, कुछ भी मत देना, इधर देखो आप, शोक से आकुल, शोक से आकुल, किससे आकुल बेटा? कमर सीधी कर तेज बोलो, बिहारी रचित का क्या होगा बेटा? नहीं आप भी, आप प्रियंका जरेड़ा बोल रही है, नहीं प्रियंका, बिहारी रचित का होगा, बिहारी के द्वारा रचित, तुलसी कृत का तुलसी के द्वारा कृत, कपड़ छान का कपड़े, कपड़े के द्वारा छाना हुआ, कपड़े के द्वारा। आगे लिखो प्लीज, आंखों देखी, आंखों देखी घटना है, मेरी आंखों देखी घटना है वो, आंखों देखी, मुंह से बोलो, बोलो आंखों देखी, आंखों देखी का लिखो, आंखों से देखी बेटा, बोलना नहीं बेटे, आंखों से देखी, किसे देखी? आंखों से देखी, आंखों से। आगे लिखो प्लीज, नहीं शोक के द्वारा आकुल नहीं होगा बेटा, शोक से आकुल होगा सोनू। आगे लिखो बेटा नेक्स्ट अगला, कर्म और, कर्म और करण क्लियर ना, कर्म कारक और करण कारक क्लियर, क्लियर बेटा। आगे लिखो संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, बेटा आराम से, आराम से बेटा, संप्रदान तत्पुरुष समास बोलो, संप्रदान तत्पुरुष समास, कौन सा समास बेटा? संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास में लिखो, इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति, इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप होता है, बोलो के लिए, कौन सा लिए बेटा? के लिए का लोप होता है। नंबर वन लिखो यज्ञशाला, यज्ञशाला, कौन सी शाला बेटा? यज्ञशाला का लिखो, यज्ञ के लिए शाला, यज्ञ के लिए शाला, किसके लिए शाला? आगे लिखो बहुत इंपॉर्टेंट है, मालगाड़ी,
मालगाड़ी, माल के लिए गाड़ी, माल के लिए गाड़ी, किसके लिए गाड़ी? आगे लिखो बालामृत, बालामृत। एक बच्चा किताब में देख रहा था, वो लिख नहीं रहा था पिछली बार। बालामृत कौन सा लिख रहा? बालामृत का लिखो, बालकों के लिए अमृत, बालकों के लिए अमृत। आगे लिखो सत्याग्रह, सत्याग्रह। आइए सर, क्या सर? आइए सर, सर यहां पे तो नहीं है सर। कौन से वाला? ये वाला लिखो बेटा नेक्स्ट। ये वाला पूरा देना है, इस सर का थोड़ी है, तो पहले से ये सर का है क्या? है ये तो सर का है क्या? आज आपका पहला दिन है। ये और निकलवाती, तुम हमेशा मेरे को गुमराह करती हो, हमेशा मेरे को गुमराह करती हो पूजा। तुम ये ले जाते हैं सर साथ? यही है। लिखो नेक्स्ट, सत्याग्रह का लिखो, सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह। किसके लिए आग्रह? सत्य के लिए आग्रह। आगे लिखो नेक्स्ट अगला, देवालय, देवालय। कौन सा बेटा लिखोगे? बोल दिया सर, बंसल सर शर्माए मत करो प्लीज, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं और तुम की बोलो देवालय, देवालय का लिखो, देवों के लिए आलय। नहीं, देवों के लिए आलय, देव के लिए आलय, क्लियर? देवों के लिए बहुत सारे देवता रहते हैं, गणेश सबका, सब उसको मत देखे। देवालय मंदिर, मिश्रा जी तुम भी किताब बंद कर ले। एक बच्चा पिछली बार किताब खोल लिया था, वो यूट्यूब पे देख देख करता है, वीडियो देख देख के शादी के बाद भी। आगे लिखो अपादान तत्पुरुष समास, आगे लिखो अपादान तत्पुरुष समास। क्लियर ना बेटा? ये क्लियर बेटे? अपादान तत्पुरुष समास। कौन समास बेटा? वो प्रिंट निकाल लो उसका, वो प्रिंट निकालो बेटा, बेटा बंसल सर वो प्रिंट निकाल लो बेटा। है जी, क्या कुछ नहीं लिखा है बाहर, केवल प्रिंट निकालवा निकाल लो। आपका प्रिंट कहाँ है बेटे? आपका कहाँ है? कौन ले गया? तुम उनको क्यों दे देती हो? मैं तो इतना मांगता हूँ, मेरे को देती नहीं हो। आपका कहाँ है बेटा? हमेशा आपका कहाँ है? आपका हाथ कहाँ है ना आपके पास? आप एक दोनों एक एक दूसरे की देख रहे हैं एक बार। हाँ बेटे, आप सबके पास है? बहुत ढंग से समझना है, बहुत अच्छे से। अच्छा पहले पेज की कॉपी क्यों नहीं कराई? दे पहली वाली थी नहीं क्या उसमें? पहले वाला पेज नहीं था इसमें एक? ये हमें किसको कैसे लूंगा, इसका प्रिंट कैसे लूंगा कैसे? तो उस बच्ची ने लिखा है इसे, पहला पेज क्यों नहीं है इसपे? मतलब मुझसे तुमको इतनी इतनी नफरत है कि मेरा नाम तक नहीं लिखा तुमने ऊपर थोड़ी वो। हाँ बेटे, तुम्हारे पास है ना पूरा? दिखाओ, तुम्हारे पास नहीं होता मैं तो मेरा तो। आगे लिखो, ये वाला पेज निकालना बेटा अपना, पहला वाला जो टेस्ट सीरीज दी थी वो वाली। और पूरा बेटा सर बेनीवाल सर बात नहीं करनी सर। क्वेश्चन नंबर एक, क्वेश्चन नंबर एक पूरा कॉन्सेंट्रेट बेटे। मुझे पास होना है, कितनी बताई थी, कितने बच्चे पास होंगे?
3778 कुछ आज के पेपर में है। मृत्युंजय में कौन सा समास है? बहुब्री। कौन सा? कितने बच्चे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बहुब्री समास क्यों है? देखो मैम, मैम आपका नाम भूल गया मैं, थोड़ा सा शॉर्ट नेम बताओ ना, थोड़ा निकनेम, निकनेम अनु बोलूं? ओके, देखो अनु, ये मृत्युंजय है। क्या है ये मृत्युंजय? बहुत ढंग से सुनाओ बेटा। मृत्युंजय में ये ए मृत्यु और बी का मतलब है जय, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, जिसने मृत्यु को ए प्लस बी इक्वल टू सी, मैंने बताया था ए प्लस बी इक्वल टू सी में कौन सा समास होता है? बहुब्री। कौन सा होता है बेटा? बहुब्री समास होता है। ए में हो गया बहुब्री समास, कौन समास बेटा? बोलो ओके सर, सबके सब ऑनलाइन बोलो ओके सर। क्वेश्चन नंबर टू, पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है? कौन सी? देखो संज्ञा का मतलब होता है नाउन, क्या होता है? नाउन। और पुस्तक कोई भी हो सकती है, इसलिए वो जातिवाचक है। अगर इसकी जगह गीता होता, कुरान होता, महाभारत होती, तो वो व्यक्तिवाचक होती। कौन सी होती बेटा? ओके क्या? आगे मैं जिससे पूछूंगा केवल हाथ पर करेगा। वो एक बच्चा पिछली बार बोल गया था, टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है, केवल हाथ पर करो, डी ऑप्शन कौन सा? एक्सीलेंट और नो एक्सीलेंट, दुर्गम रहा। कौन सी रहा? दुर्गम रहा। केसरी सिंह शब्द के पर्यायवाची हैं, बताओ बेटे। देखो बेटा इसमें जो शाखा मृग लिखा हुआ है बी ऑप्शन में, शाखा मृग का मतलब होता है बंदर, क्या होता है? लिख लो ऑप्शन में, ऑप्शन में बंदर होता है, बंदर बंदर। और ये गज नरपति नहीं है, ये ऑप्शन क्लियर है। केसरी वनराज, कौन सा राज? आगे पांचवा क्वेश्चन का आंसर कौन कौन बताएगा, हाथों पर करो। कौन युग सही है? हाँ सही, कौन सा है? देखो कृत्रिम और बनावटी एक ही बात होती है, मेरी आंखों में देखो आप एक बार, कृत्रिम और बनावटी वो आर्टिफिशियल हंसी हंसती है ना, उसके अपने मन में उसके प्रति इतना सा प्यार नहीं करती हो, लेकिन आर्टिफिशियल जैसे झूठ माट की हंसी हंसती है वो कहते वो है कृत्रिम आर्टिफिशियल, क्या बेटा? और बनावटी एक ही बात है, आर्टिफिशियल बनावटी एक ही बात है। उसके बाद ये गजधर और नरपति एक ही बात है, बनमाली और मृकट एक ही बात है, बंदर बंदर। और ये नरपति राजा को बोलते हैं, और करेक्ट आंसर होगा बी, क्या होगा बेटा? बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। ऐसे कितने बच्चे हैं जो पहले से करके लाए हैं इसको, एक तो मेरे साथ साथ ही कर रहे हैं और एक पहले से करके लाए हैं, चाहे गलत हो चाहे सही हो, पहले से करके लाए हो ना, पूरे कर रहे थे बेटा। आराम से पूरा ऑप्शन देखो, निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। इति प्लस आदि, इति प्लस सर इसमें कौन सी संधि है, इसमें इति प्लस आदि में कौन संधि है? इत्यादि में यण संधि, कौन संधि बेटा? आगे चल रहा हूं नेक्स्ट, आगे बेटा पूजा बात नहीं करनी है। मैं हम तू तुम वह वे किस सर्वनाम का उदाहरण है? पुरुषवाचक। कौन सा? मैं सर्वनाम आपको पढ़ाऊंगा बेटा, है ना, अभी सर्वनाम तो इस पुरुषवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम के छह भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? किस शब्द में इला प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? प्रत्यय पीछे लगता है, प्रत्यय उर्मिला, बोलो उर्मिला, बताओ बताओ मिश्रक क्यों? क्योंकि देखो सब में बड़ी की मात्रा आ रही है और इसमें छोटी की मात्रा आ रही है। ओ माय गॉड, इला प्रत्यय, क्वेश्चन गलत है ये, बोनस
हाँ बेटा, नहीं छोटी आएगी, इला प्रत्यय है, शर्म मुझे शर्माती है। आगे बेटा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में बेटा ये ध्यान रखना इस बात का, इस बात बहुत प्यार मोहब्बत से समझा दिया, बहुत सीरियस रहना थोड़ी देर के लिए। निम्नलिखित में से सबको बोल रहा हूं मैं, सबको, आप पर्सनल नहीं बोल रहा किसी को, ये व्यवस्थाओं में बाद में ध्यान दो, इधर ध्यान दो, अपना करियर का सवाल है, 3778 पास होंगे। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है, बकरी को काटकर गाजर खिलाओ, बकरी को थोड़ी काटना है, 3 बजे परसों में स्टेशन जाऊंगा, गीतों की एक किताब ला दीजिए, मैं गर्म गर्म गाय, ओहो इसमें सी ऑप्शन है, कौन सा है सी, और इसमें आप ये ऐसा करना जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन उसमें गर्म चाय की जगह गर्म गाय गाय लिख लो चाय की जगह, सी गीतों की किताब ला दीजिए, बिल्कुल सही है, गीतों की किताब ला दीजिए, बिल्कुल सही तो है, मैं गर्म चाय का दूध, गर्म चाय का दूध किस क्या होता है, गर्म चाय का दूध क्या होगा बेटे, आपन को सही बता रहे हैं ना कौन सा वाक्य शुद्ध है, आदोशी एक मिनट बता, बकरी को काटकर गाजर खिलाओ ये गलत है, 3 बजे परसों में स्टेशन जाऊंगा, सेंट क्रम भंग संबंधी अशुद्धि है, सेंटेंस आगे पीछे हो रहा है, मैं 3 बजे स्टेशन जाऊंगा मैं ही गलत लिखा हुआ है, क्लियर क्या। अगला देखो बेटा दसवां क्वेश्चन, दसवां बेटा दसवां क्वेश्चन, गेह का समानार्थी शब्द है आवास, कौन सा बेटा, गेह का समानार्थी शब्द है आवास, आवास कौन सा बेटा, गीत गीता ने कहानी लिखी और पुरस्कार प्राप्त किया, गीता ने कहानी लिखी और पुरस्कार प्राप्त किया, एविडे कोई बात नहीं आप सुन लो मैं पढ़ाऊंगा तो सही, कमर सीधी कर तेज बोलना है, बोलो और एवं किंतु परंतु, और एवं किंतु परंतु, लेकिन इसलिए संयुक्त वाक्य में आते हैं, संयुक्त वाक्य में, संयुक्त वाक्य हो गया। आगे अगला 12वां क्वेश्चन, जिसे दंड का भय हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, दीना नहीं, दंड का भय हो, जिसे दंड का भय हो नहीं करना है, इसको पहले सही करो, आप पहले उसको क्वेश्चन को सही करो, जिसे दंड का भय ना हो ऐसे करो, पहले आप क्वेश्चन लिखो सही, जिसे दंड का भय ना हो, जिसे दंड का भय जिसे दंड का भय ना हो वो निर्भय नहीं हो सकता, वो तो नालायक है, नालायक जिसको दंड का भय ना हो, कानून का जज से डर ही नहीं रहा वो ऐसे बकवास गाना है, वो जज के सामने कौन सा हरियाणा गाना है, तो सही वो जज भी हिल जाएगा वो, हाँ खुद जज के भी आएंगे पसीने, ऐसी तैसी कर देगा आरजीएस, मिर्ची भर देगा एमडीएच, है ना जज के पसीने, हाँ बेटे जज के पसीने, जिसे दंड का भय ना हो उसको कहेंगे उद्दंड, क्या कहेंगे उसको उद्दंड, निर्भय तो वो होगा, निर्भय तो वो होगा जिसने आरजीएस का पेपर देने जाएगा, हंसता हंसता हुआ जाएगा क्योंकि मैंने पूरी क्लास ली है, पूरी ऐसे ऐसे नहीं होगी वो निर्भय, निडर जिसे डर ना हो, दंड का भय तो होना चाहिए सर, आप मेरे को प्रलोभन में लेके मेरे को झांसा देके, शादी का झांसा देके मेरे साथ कुछ भी कर लो, सर समझिए ना, आगे निर के नीचे हलंत लगाओ, निर के नीचे हलंत लगा दो, निर के 13वें क्वेश्चन में निर के नीचे हलंत जानते हो बेटा, हलंत बता रहा हूं, निर के नीचे हलंत लगा दो, ऐसे हलंत होता है, निर के नीचे अलंत, अलंत लगा दो, और इस क्वेश्चन को छोड़ दो, ये गलत क्वेश्चन है, 13वां और 14वां क्वेश्चन मुझसे गलत हो गया, मैं माफी चाहूंगा, 14वां दोनों गलत है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द प्रहार, प्रहार पत्थर की चोट से, प्रहार का मतलब होता है चोट, क्या होता है, और प्रतिहार का मतलब होता है त्याग, क्या होता है
त्याग, ये मतलब इमरजेंसी घंटी बजती है। पूछो पूछो बेटा, माइक कहाँ पे, ऐसे बोलो। इसमें ऑप्शन आता है क्या? उधर से आवाज आएगी तो प्लीज यार मेरे से बताया करो ना ऐसी चीजें। तुम नालायक हो, मेरे को टेक्नोलॉजी एकदम परिचित नहीं करा रहे। अब आगे चलो, अगला क्वेश्चन चोट और त्याग हो गया, समझ गए ना। अब 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। नीला नीलकंठ, बोलो बम बम भोले। 17वां क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित तालाब में कमल खिला, तालाब में कमल का फूल खिला रेखांकित शब्द संज्ञा का प्रकार है। देखो बेटा, बेटा मेरी बात सुनो, बच्ची अन्नु, संज्ञा के तीन प्रकार होते हैं। एक तो होती है व्यक्तिवाचक, कौन सी वाचक, संज्ञा नाउन के तीन प्रकार है, एक तो व्यक्तिवाचक है और एक है जातिवाचक। कौन सी वाचक बेटा, जातिवाचक। देखो बेटा जातिवाचक कौन सी वाचक बेटे, क्षितिज राजा इमीर प्लीज इमीर दीदार तो कर मेरी तरफ, खड़ा खड़ा हो, वहां से खड़ा हो बेटा, इधर आ जा, इधर आ जा। देखो व्यक्तिवाचक का मतलब होता है सलमान खान, कौन सा खान, सलमान खान व्यक्तिवाचक है। लेकिन अगर इसकी जगह हीरो आ जाता तो हीरो तो कोई भी हो सकता है, वो जातिवाचक हो जाता, क्या हो जाता। अगर कमल है कमल तो व्यक्तिवाचक है, फूलों में विशेष है। लेकिन अगर इसकी जगह फूल आ जाता तो वो जातिवाचक हो जाता, क्या हो जाता। क्लियर के बेटा, ओके पूजा क्लियर। भाव कैसे होता सर, कमल भाव होते जो हमें, बेटा सुनो सुनो, नंबर थर्ड है भाववाचक, कौन सा वाचक, भाव वो है जो हमें दिखाई नहीं देते, केवल हम उनको महसूस कर सकते हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं तो लाओ 2 किलो दो, ऐसे थोड़ी भाव महसूस कर सकते। आई हेट यू, नफरत करती हूं मैं तुमसे, तो नफरत को केवल महसूस कर सकते हैं, प्यार मोहब्बत नफरत इन सब महसूस, बेवफाई क्या ये केवल महसूस की जा सकती है, इसको देखा नहीं जा सकता। इसका मतलब यह है कि देखने की दृष्टि से संज्ञा के दो तीन रूप हो गए। बेटा मेरी बात सुनो, देखो ये हमारी उम्र ऐसी है, हम अभी ग्रेजुएशन करके आए, हमारा मन करता है अंदर से प्यार मोहब्बत करने का, लेकिन अभी एक महीने की बात है सर, 3778 पास होंगे, कितने पास होंगे सर, प्लीज जिंदगी खराब हो जाएगी, एक महीने नहीं करना यार, एक महीने व्हाट्सएप में चलाएंगे, धिक्कार है, प्री पास नहीं करवाया, धिक्कार बेस्ट गया बेकार में सर, मेंस में भाग्य काम करेगा, प्री तो पास होना, सब पास है, लगभग सब पास है, लगभग क्या है, लगभग सब पास है, तुम उन सब पास में भी नहीं हो पा रहे तो क्या दिक्कत है तुमको यार, थोड़ा सीरियस रहो सर, थोड़ी एक महीने की बात है बस, 35 दिन बचे हैं सी, अप्रोक्सीमेटली केवल 35 दिन बचे, कितने दिन बचे हैं, 35 दिन बचे हैं सर, ये चीजें जिंदगी भर चलती रहेंगी। फिर मैं मना थोड़ी कर रहा हूं, उम्र है और हम जवान है, मुझे ऐसा लगा, ओहो हो कितना रोमांटिक क्वेश्चन देखो, अच्छा 18 किस विकल्प में विलोम शब्द है, आराम से देखो, पहला कौन सा, देखो आप आंसर कर रहा है ना ढंग से, तो डिस्टर्ब हो रहा था वहां पे। देखो सुगढ़ का मतलब है अच्छी तरह गढ़ा हुआ, और अनगढ़ यानी अच्छी तरह नहीं गढ़ा हुआ, ए ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन है बेटा। हित और भद्र, भद्र का मतलब होता है, भद्र का मतलब होता है हितेशी, हितेशी। मुझे ऐसा लगा, बहुत रोमांटिक क्षण है, मुझे ऐसा लगा जैसे झाड़ियों में कोई खड़ा है। अनिश्चयवाचक कौन सा बेटा, कमर सीधी का ढंग से पूरे जोश में, 23 जून को हिला दूंगा पेपर को, बोलो कोई कुछ आएगा तो अनिश्चयवाचक होगा, कौन सा, कोई कुछ है, क्या होगा, अनिश्चयवाचक, कौन सा बेटा, अनिश्चयवाचक। बच्चों से मेरा विशेष निवेदन है, जो नाबालिग है जो पेपर नहीं देंगे, मुझे पता है कौन कौन पेपर नहीं देंगे, उनको कल से हिंदी क्लास में अलाउ नहीं करूंगा, और डिसिप्लिन से रहना, जिसको मैं कह रहा हूं वो समझ गया, समझ गया, प्लीज जो पेपर नहीं देंगे उनको बहुत डिसिप्लिन से रहना, बच्चों के करियर के सवाल है। नहीं नहीं तू तो देगा ना पेपर, हाँ जो नहीं देगा वो तू तो देगा, निश्चय की यह वह निश्चय, यह मेरा घर है वह मेरी दुकान है, निश्चयवाचक है, और अनिश्चयवाचक में हो गया कोई कुछ, बोलो कोई कुछ। उसके बाद अगला, क्लियर बेटा राजा, क्लियर। संबंधवाचक नहीं बताया मैंने,
संबंध वाचक में होगा, बोलो जो सो, बोलो जो सो, जैसा वैसा जितना उतना, जो सो जैसा वैसा जितना उतना, जो करेगा सो भरेगा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। कौन सा होगा बेटा? संबंध वाचक। कौन सा बेटा? क्लियर क्या? आरजीएस के इतिहास में जब से पेपर होने लगा है, मैं ब्राह्मण हूं आपको भविष्यवाणी कर रहा हूं, जब से आरजीएस का पेपर स्टार्ट हुआ है तब से अब तक इसका साल का जो पेपर होगा वो सबसे सरल होगा। सबसे क्या होगा? मतलब उसमें कट ऑफ सबसे कम जाने वाली है। 6 कोचिंग्स में पढ़ा रहा हूं मैं, 6 में। कितना में? 1 मेरा पर्सनल बैच चल रहा है 10 से 11 में। सर बच्चों को कॉम्पिटिशन नहीं है सर, पहले हम पढ़ाते थे ना बच्चे ऐसे भर जाते थे क्लासों में, चलो क्लास निकलेगी हमारी जिंदगी का सवाल है, ऐसे कुत्ते की तरह कान खड़े रहते थे उनके, भाई साहब कुछ कोई चीज निकल गई करियर खत्म। इस बार तो ये क्या लॉकडाउन के प्रोडक्ट है, लॉकडाउन में वो बाबेल पड़ी पास हो गए, मेरे को पता ही नहीं चीजें क्या है, वो वीडियो कॉल करिए या वीडियो देखे, वो दिमाग में भरे हुए हैं लॉकडाउन वीडियो देखे ना, वो 10 मिनट वाले, तो वो दिमाग में भर गए, दिमाग एकदम गंदा हो गया सर। बता रहा बहुत कम कंपटीशन जाएगा, बहुत कम कट ऑफ जाने वाली है इस बार, बहुत कम, थोड़ा सा भी सीरियस है वो पास हो जाएगा। आरजीएस मजिस्ट्रेट आरजीएस कितना बड़ा एग्जाम, उसके लिए सीरियसनेस की क्या हद चाहिए वो आप समझ ही नहीं रहे। कॉन्स्टेबल तैयार कर रहे हैं क्या? जुडिशियल राजा। आगे देखो इसमें हो गया कोई प्रश्नवाचक में क्या कौन, प्रश्नवाचक क्या, क्या कौन, ये मैडम बताइए। अनु मैम प्लीज अगला क्वेश्चन। लुब्रिकेशन वर्ड सुना है कि लुब्रिकेशन? एक मिनट, नहीं, हाँ बिल्कुल, लुब्रिकेशन सुना है क्या? सुना तो होगा, देखा भी होगा, मैम कैसी बात करते हो बेटे, लुब्रिकेशन सुना है कि वर्ड पूरा कहां पे देखा? अरे यार धिक्कार है बनी वाला, कहां पे लिखा रहता है लुब्रिकेशन? लुब्रिकेट, चलो कोई बात नहीं, लुब्रिकेशन का मतलब स्नेहक होता, क्या होता है? स्नेहक होता है जो स्नेहक है ना, स्नेहक होता है, स्नेहन नहीं, स्नेहक नहीं, स्नेहक, स्नेहक होता है। तेल क्या होता है मैडम? तेल मतलब तेल लगा होता है उसमें थोड़ा चिकना करने के लिए, बस। क्लियर क्या? 20 का ए, 20 का क्या समझ गए? रेट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है दर संविदा, दर संविदा ऑप्शन नहीं है इसमें, बी कर लो किसी को भी, दर संविदा, रेट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब दर संविदा, दर संविदा, रेट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है दर संविदा। कौन संविदा? एक मिनट, अगला क्वेश्चन देखना बेटा। पुस्तकें मिल जाती तो विद्यार्थी पढ़ लेते, सही करो पहले, पुस्तकें मिल जाती तो विद्यार्थी, तो लिखो ना, पुस्तकें मिल जा, स्नेक सही है ना मेरा, तुमने मुझे गूगल पे देखा है ना, नहीं नहीं तुमने तो गूगल पे देखा ना, मुझे भरोसा नहीं हुआ। अच्छा पुस्तकें मिल जाती तो विद्यार्थी पढ़ लेते, विद्यार्थी पढ़ ले, तो लिखो, तो लिखो पहले, तो इस पुस्तकें मिल जाती तो विद्यार्थी पढ़ लेते, कमर सीधी, इसमें एक नीचे लिखना है पूरा, अगर यदि तो वाक्य में आते हैं, यदि तो वाक्य में आते हैं, यदि तो, ये तो टॉपिक कराया ना मैंने, वाक्य विचार नहीं कराया क्या? यदि तो, यदि तो बोलो, यदि तो वाक्य में आते हैं तो उसे संकेत वाचक वाक्य कहते हैं। कौन सा वाक्य कहते हैं बेटा? संकेत वाचक वाक्य कहते हैं, बोलो संकेत वाचक, कौन सा वाचक? याचक का विलोम शब्द है, याचक का क्या बेटा? याचक का विलोम शब्द है, याचक देने मांगने वाला, और दाता यानी देने वाला, दाता यानी, तुम्हारे को तुमसे नहीं मुझसे मतलब, मुझसे करो, मुझसे मतलब ही क्या है, तुम्हारे को मुझसे मतलब ही क्या है, तुम्हारे को मुझसे मतलब ही क्या है,
तुम्हारे को मुझसे मतलब ही क्या है? बताओ क्या आएगा? सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है ना, नहीं तुम्हारे को मुझसे करना है, मुझसे हाँ सब सब सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। हाँ तुम्हारे को मुझसे ये आएगा, सही सही में ये तो गलत है ना, बिल्कुल सही बोला क्षितिज, मैं तुमको मान गया क्षितिज। महाशय किस संधि का उदाहरण है? दीर्घ संधि। कौन संधि? सबसे कम उम्र में देश की राष्ट्रपति बनोगी, सबसे कम उम्र में 30 साल की तो बन जाओगी देश की राष्ट्रपति। महाशय क्या बेटा? दीर्घ संधि। कौन संधि है? ओह मेरा सिर फटा जा रहा है। विस्मयवाचक। कौन सा वाचक बेटा? विस्मयवाचक, एक्सक्लेमेटरी साइन आ रहा है। सुनारिन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इन। कौन सा बेटा? 27 का सी। 27 का क्या? ओके बोलो। आदित्य का समानार्थक शब्द क्या होगा? नहीं है। केसरी। कौन सा बेटा? केसरी नहीं है। केसरी, केसरी का मतलब क्या होता है? सुन केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। केसरी यानी सिंह होता है, शेर है ना। केसरी शायद उनकी, केसरी अंदर उनकी मम्मी का नाम भी था, पापा का नाम था। उसके बाद परामर्श शब्द में कौन सा उपसर्ग है? परा, परा में परा डायरेक्ट, परा परामूर्ष मूल शब्द है। तीसवा क्वेश्चन, 30। किस शब्द में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? किस शब्द में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? निजवाचक जो स्वयं के लिए आता है। आप आगे आ जाइए। आप बहुत जिंदाबाद, जिंदाबाद। उसके बाद सर्वनाम के लिए सारे बच्चे कमेंट बॉक्स कमेंट करेंगे। सार्वनामिक विशेषण के लिए, सार्वनामिक विशेषण का मतलब होता है पूरा कॉन्सेंट्रेट, पूरा कॉन्सेंट्रेट। मुझे बड़ा बनना है, बहुत कम टाइम में बड़ा बनना है मुझे। पहला आएगा सर्वनाम, बोलो सर्वनाम, और फिर आएगी संज्ञा। बोलो पहले आएगा सर्वनाम, बोलो बोलो पहले आएगा सर्वनाम और फिर आएगी संज्ञा। बोलो बताओ इसमें किस में पहले सर्वनाम आ रहा? तुरंत बस ए। कौन सा? वह बस जा रही है, वह बस। 32 में कुछ दिख ही नहीं रहा। चढ़ना दिख ही नहीं रहा मेरे को कुछ। छोड़ो छोड़ो, 33 पे जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? बेटा मेरी बात सुन ले, अव्यय का मतलब है अविकारी। बोलो अव्यय का क्या मतलब है? अव्यय का क्या मतलब है? अविकारी का मतलब होता है जिसमें लिंग वचन कारक के द्वारा कोई परिवर्तन ही ना हो, और जिसमें लिंग वचन कारक के द्वारा कोई परिवर्तन हो जाए वो विकारी है। वो क्या है? कमर सीधी के ढंग से समझ गया कि संज्ञा सर्वनाम और विशेषण विकारी है। बोलो संज्ञा सर्वनाम विशेषण विकारी है। जैसे संज्ञा क्यों है? लड़का का लड़की हो गया और लड़कियां हो गया। सर्वनाम में वह है, वह का वे हो गया। विशेषण में विशेषण में गोरा है, गोरा, तो गोरा का गोरे हो गया। क्या हो गया? सुंदर का सौंदर्य हो गया। सुंदर का क्या हो गया? परिवर्तन हो गया ना। इसको कहते हैं विकारी, मतलब खर्च हो गया। और ये जो संबंध बोधक है, क्रिया विशेषण है, बी ऑप्शन कर लेना, समुच्चय बोधक। बी ऑप्शन में समुच्चय बोधक में लिख रहा हूं, बी ऑप्शन में। इसमें 33वें क्वेश्चन बी ऑप्शन, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। कौन सा बोधक? समुच्चय बोधक। कौन सा बेटा? समुच्चय बोधक। ऑनलाइन वाले बच्चों से मेरा विशेष निवेदन है, विशेष बहुत बहुत ज्यादा। नहीं ऑनलाइन वाले बच्चे लगभग रेगुलर आते हैं, अच्छे बच्चे हैं, अच्छे संस्कार अच्छे हैं तुमसे। अगला क्वेश्चन देखो जो बताऊंगा।
इसमें होगा सी विशेषण। क्लियर क्या बेटा? किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? निपात में बताऊं, मैं बता रहा हूं क्या नाम, तुम्हारा नाम बताऊं? रीनू चौधरी। रीनू, निपात उसको कहते हैं, निपात उसको कहते हैं वो वर्ड होगा जो पूरे वाक्य पर विशेष जोर डाल देगा। क्या डालेगा? पूरे वाक्य पर विशेष जोर। एक शब्द ही, आप 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 उसको रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले गए, अपन को सर अपन हिंदी मीडियम से, अपन को तो मेन्यू कार्ड ही पढ़ना नहीं आता, अब प्रोनंसिएशन में गड़बड़ी होती है हमारे। तो जैसे वो बोल रही कि नहीं 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 बिहार से है वो, कि मैं तो चावल ही खाऊंगी, मैं तो क्या खाऊंगी, मतलब और कुछ भी है ना, लेकिन वो चावल ही खाएगी। क्या खाएगी? और फिर ये भी, मैं तो चावल, वह तो चावल भी खाती है, एक में तो कह रहा है ही चावल ही खाती है, और वह और कुछ भी तो खाएगी, सारा कुछ चावल भी खाएगी। तो ही भी तो तक भर विशेष जोर डालेगा, विशेष जोर ऐसे करो पेपर के, विशेष जोर डालेगा। क्या डालेगा? पूरे सेंटेंस में विशेष जोर डालेगा, ही भी तो तक भर, बहुत तगड़ा जोर डालेगा, बहुत जबरदस्त। अब इसमें देखो कौन सा सेंटेंस है जो जोर नहीं डाल रहा, वो नॉर्मल है। मैं अरे मेरा वैसे ही नाम लगा रहे हो, मैं तो उसे जानता तक नहीं, मैंने तो कोई कॉल नहीं किया उसको। बोतल में पानी भर दो, बोतल में पानी, अनु क्लियर? क्या बता रहा हूं, क्लियर ना? क्लियर बेटा? पूजा देख मैडम, मैं उसे जानता तक नहीं, तक के नीचे अंडरलाइन करो तक। वह कल ही चला जाएगा, भाई आज आज जाने दो बेचारे को, कल चल जाएगा वो। क्या? मैं भी साथ जाऊंगी, समझ गया ना? जोर डाल रहा है ना, ढंग से समझ गया मैं एक बार ही, कि निपात उसको कहते हैं, बोलो ही भी तो तक, मैं लिखा पढ़ाऊंगा, बोलो ही भी तो तक। ऑनलाइन वाले बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखो ही भी तो तक भर, ही भी तो तक भर। ये क्या है? ये निपात है। क्या है बेटा? आगे है कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची नहीं है? ऐसा नहीं है, तुम्हारा नाम भूल गया मैं, तुम्हारा नाम भूल गया, हाँ तृप्ति। ऐसा नहीं है, इसमें तुम्हारी इज्जत जुड़ी हुई है अकेली, 23 जून को तुमसे ज्यादा टीचर की इज्जत जुड़ी हुई है। टीचर को अब क्या अपनी मूछे साफ करानी पड़ेगी? मैक्सिमम जो अच्छे टीचर है वो मूछे रखते हैं, क्या रखते हैं? अच्छे टीचर की खासियत रखती हूँ। अब तुम 15 क्वेश्चन है, मान लो तुमको मैंने पढ़ाया और एक क्वेश्चन नहीं मिला, तो चला मुझे रखने क्या मतलब है? तुम गालियां दोगे ना कि सलाह ऐसा बकवास था, दोपहर गर्मी में। तो तुमसे ज्यादा टेंशन हमको है, अगर तुम रेगुलर क्लास लोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। 15 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन बाहर से, 10 साल हो गए यार, साल हो गए, 10 साल हो गए, वो ही पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आएगा। तो मेरे साथ बोलो, बोलो आग अनल पावक, बोलो आग अनल पावक, वही दहन कृषाणु, आग अनल पावक वही दहन कृषाणु, ये आग के पर्यायवाची हैं। तो कौन सा नहीं है बताओ? हुताशन भी आग का पर्यायवाची है। अनल और अनिल में अंतर है, अनल का मतलब जहां नल नहीं है वो आग है, ये तो अनिल है, अनिल का मतलब हवा, लिख लो, अनिल का मतलब हवा होता है, हवा। और इससे आगे पढ़ेंगे सर अपन कल, प्लीज इससे आगे के जो क्वेश्चन है ए ए ए 35 का ए बेटा, यहां से आगे क्वेश्चन आप खुद से करके लाए बेटा, एक बार है ना प्रैक्टिस।